हाई एवरी वन, वेलकम बैक विद अनदर न्यू वीडियो। तो होपफुली यू ऑल आर डूइंग वेरी वेल, और उम्मीद करता हूँ कि आपकी नाटक की प्रिपरेशन भी बहुत अच्छी चल रही होगी। हमारी इस वीडियो सीरीज़ में जो भी नाटक रिलेटेड वीडियोज़ आपको मिल रही होंगी वो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव आपको लग रही होंगी, काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिल रही होगी और आपको प्रिपरेशन में बहुत हेल्प कर रही होंगी। तो ये वीडियो सीरीज़ में यही एक और इम्पॉर्टेंट वीडियो आज की रहने वाली है, जिसमें हम 4th and 5th May का पूरा एनालिसिस करने वाले हैं नाटक एग्जामिनेशन का, जो अभी रिसेंट वीक में सैटरडे संडे में एग्जाम हुआ है। तो इसमें मैं आपको डिटेल एनालिसिस बताने वाला हूँ। सबसे इंपॉर्टेंट मैं आपको क्या बताने वाला हूँ कि इसमें चेंजेस कहाँ देखने को मिले हैं एग्जामिनेशन में, किन टॉपिक्स में को नया इंक्लूड किया गया है, कैसे क्वेश्चंस आ रहे हैं और कितना वेटेज रख रहे हैं टॉपिक्स, तो इसको जानना आपके लिए बहुत ज़रूरी है अगर आप अभी नाटा एग्जामिनेशन में आगे आने वाले वीक्स में अपीयर होने वाले हैं। तो ये चीज़ आपको जानना काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो वीडियो को आप लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो यार चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जो भी नई वीडियोज़ आएंगे उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाएगा। साथ में वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए, क्योंकि आपका एक लाइक जो है हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा वैल्यू करता है। तो अब बात कर लेते हैं 4th and 5th May के एग्जामिनेशन के बारे में। तो कैसा रहा, तो एग्ज़ाम मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बताता हूँ कि जैसे जैसे वीक्स आगे जाते जा रहे हैं नाटक एग्ज़ाम में स्कोरिंग जो है वो इजी होती जा रही है। अराउंड 100 प्लस स्कोर्स भी जा रहे हैं, 105 भी स्कोर एक दो स्टूडेंट्स के गए हैं, 107 अभी तक का जो हाईएस्ट मुझे जो पता चला है 107 भी गया है। तो ऐसा नहीं है कि नाटक में स्कोरिंग बहुत डिफ़िकल्ट है या फिर बहुत ऊपर के लेवल की आपको प्रिपरेशन की नीड है, बिल्कुल नहीं है। आप एक अच्छी प्रिपरेशन के साथ भी 100 या फिर 105 110 तक बहुत आसानी से जा सकते हैं, और मैं उम्मीद करता हूं कि 110 1050 115 तक भी जो है स्टूडेंट्स डेफिनेटली जाने वाले हैं आगे आने वाले वीक्स में। तो इसके लिए आपको एनालिसिस पता होना चाहिए क्या क्वेश्चंस आ रहे हैं, क्या टॉपिक्स आ रहे हैं, तो इसी के ऊपर हम बात करेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं। तो ये मेरे पास आपके लिए 4th and 5th May का कंप्लीट एनालिसिस है, जो हमने काफ़ी सारे स्टूडेंट्स से जो डिफरेंट सेट्स आते हैं तो उसके थ्रू उनको जो भी क्वेश्चंस पता होते हैं तो हमने उनके थ्रू लिया है। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ में क्या हो जाती है कि जब आपको ज़्यादा स्टूडेंट्स का आइडिया लगता है कि उनका क्वेश्चन पेपर कैसा आया, क्या टॉपिक्स आए, तो ये आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं। तो हम मैथमेटिक्स से स्टार्ट करते हैं। अपना 4th May में जो मैथमेटिक्स का क्वेश्चंस देखने को मिले, हमें एज डिफरेंस के क्वेश्चन देखने को मिले, परसेंटेज के रेशियो के क्वेश्चन देखने को मिले थे, स्पीड एंड डिस्टेंस का एक नया टॉपिक ऐड हुआ है, स्पीड डिस्टेंस एंड टाइम का, ये आपका क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का पार्ट आ जाता है। इससे अच्छे खासे क्वेश्चंस देखे गए हैं, लाइक ट्रेन वाले क्वेश्चन या फिर कोई पर्सन ट्रैवल कर रहा है उस तरह के क्वेश्चंस, तो ये ऑलरेडी नाटा में पहले 2023 तक जो पैटर्न था उसमें आ रहे थे, तो आपको ये क्वेश्चंस उस पेपर्स में देखने को मिल जाएंगे। तो आपको डेफिनेटली ये क्वेश्चंस चेकआउट करना चाहिए कि कैसे क्वेश्चंस आ रहे हैं, या फिर आप स्टूडेंट से भी पूछ सकते हो कि किसी ने अगर एग्जाम दिया है कि कैसे क्वेश्चंस हैं। तो बेसिकली इसमें यही आ रहा है कि ट्रेन जो है एक पर्टिकुलर पोल को 29 सेकेंड्स में पार करती है, तो एक प्लेटफॉर्म की एक मतलब ट्रेन की उसमें आपको दे दिया जाता है लेंथ इतनी है, तो एक 650 या 700 मीटर का जो प्लेटफॉर्म होगा उसको कितनी देर में क्रॉस करेगी, तो ये क्वेश्चंस आते हैं। और आपके अभी तक दो ट्रेन का कंपैरिजन वाला क्वेश्चन नहीं देखने को मिला कि दो डिफरेंस हमें बताना होता है कि ये ट्रेन इतनी देर में आएगी, दूसरी ट्रेन इतनी देर में आएगी, तो दोनों की स्पीड में क्या डिफरेंस है, तो हो सकता है वो क्वेश्चन भी देखने को मिल जाए। तो आप प्रिपरेशन उन क्वेश्चंस की भी ज़रूर करना, अगर बाय चांस आ जाता है तो आपके लिए वो चीज़ ईजी पड़ जाए। इसके साथ में सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम के क्वेश्चंस कुछ देखे गए हैं, तो सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम को अगर आप प्रैक्टिस नहीं करके चल रहे हो, अगर आप इसको थोड़ा इजी पीजी लेके चल रहे हो, तो प्लीज़ ये चीज़ मत करना, गलती मत करना, क्योंकि सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम के क्वेश्चंस आ रहे हैं, तो आपको इन क्वेश्चंस के लिए भी रेडी रहना पड़ेगा। अब बात कर लेते हैं 5th May की। तो 5th May के जो क्वेश्चंस देखने को मिले हैं बेसिक मैथमेटिक्स में, परसेंटेज वर्क एंड टाइम स्पीड के जो क्वेश्चंस सेम वही स्पीड एंड डिस्टेंस के क्वेश्चंस ये नए जो ऐड हुए हैं ये देखने को मिले, और बेसिक मैथमेटिक्स के क्वेश्चंस से तो अराउंड 10 मार्क्स का वेटेज ये बेसिक मैथमेटिक्स आपका रखता है। और ऐसा है, मैंने स्टूडेंट से बात की तो उन्होंने मुझे बताया कि इजीली वो 8 या 10 स्कोर कर सकते हैं, इतने इजी लेवल के क्वेश्चंस होते हैं, कोई बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट लेवल का क्वेश्चन नहीं देखने को मिलता। अब बात करते हैं बेसिक इंग्लिश की। तो बेसिक इंग्लिश का कॉम्प्रिहेंशन पैसेजेस के क्वेश्चन थोड़े थोड़े कम होते जा रहे हैं जैसे जैसे हम आगे जाते जा रहे हैं वीक्स में। वर्ड अंडरलाइन मीनिंग वाले जो क्वेश्चंस होते हैं वो क्वेश्चन एक दो देखने को मिल रहे हैं। ग्रामर रिलेटेड क्वेश्चंस पे थोड़ा ज़्यादा फोकस किया जा रहा है, कॉम्प्रिहेंशन पैसेज का सिर्फ 1 या 2 क्वेश्चन देखने को मिलेगा आपको। सेम 5th May में भी वैसा ही पैटर्न रहा कि पैसेज बेस्ड MCQ, वर्ड मीनिंग, ग्रामर रिलेटेड क्वेश्चन, एंटोनियम्स, सिनोनियम्स, तो इसके आपके 2-4-5 क्वेश्चन इस तरह के इंग्लिश से देखने को मिले हैं। एप्टीट्यूड का रीजनिंग वाला पार्ट के ऊपर बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ आ जाती है बात करना। अब रीजनिंग वाले क्वेश्चंस बहुत अच्छे अमाउंट में आ रहे हैं, अच्छे नंबर में आ रहे हैं, अराउंड आपका 15-20 के आसपास, आपके 15 के आसपास क्वेश्चंस रीजनिंग से बहुत आराम से देखने को मिल रहे हैं। तो ये क्वेश्चंस आपको
बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। रीजनिंग में आपके डायरेक्शन सेंस टेस्ट हो गया, मिरर वाटर इमेज हो गया, इसके अलावा सीक्वेंस सीरीज के क्वेश्चन, सरफेस काउंटिंग के क्वेश्चन, एम्बेडेड फिगर के क्वेश्चन, इसके अलावा आपके जो ऑब्जेक्ट्स काउंट वाले होते हैं, लाइक आपको ट्राइंगल या फिर रेक्टेंगल जो काउंट करने होते हैं कि इसमें कितने नंबर ऑफ, तो ऐसे क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं। ये आपका एप्टीट्यूड का पोर्शन है जो फोर्थ मई में रहा है। एक आध बिल्डिंग के क्वेश्चन भी आए हैं कि बिल्डिंग आइडेंटिफिकेशन के क्वेश्चन या फिर हिस्टोरिकल जो आपके लोकेशन हैं वहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है। और हम फिफ्थ मई की बात करते हैं एप्टीट्यूड में, तो फिफ्थ मई में रीजनिंग में आपका यहाँ पे भी अच्छे नंबर ऑफ क्वेश्चंस आए हैं, अच्छा नंबर ऑफ वेटेज है, अराउंड 10-15 क्वेश्चंस है जिसमें टॉप व्यू, साइड व्यू और मिरर वाटर इमेज के क्वेश्चंस, एज काउंटिंग के, सरफेस काउंटिंग के क्वेश्चंस, इस तरह के क्वेश्चंस दिए गए हैं। इसमें जो कुछ क्वेश्चंस पे बहुत ज़्यादा जो फोकस किया गया है और जो चेंजेस हमें देखने को मिले, तो हम इसमें कंसिडर कर सकते हैं कि यहाँ पे आपके फेमस बिल्डिंग्स के क्वेश्चंस आए हैं, 2-3 क्वेश्चन आए हैं, और आर्किटेक्चरल उसकी इंपॉर्टेंस, लोकेशन और कलर थ्योरी का सबसे अब एक इंपॉर्टेंट चीज़ आ जाती है, कलर थ्योरी के क्वेश्चंस देखने को मिले। अभी तक हमें कलर थ्योरी से क्वेश्चंस नहीं देखने को मिल रहे थे, पेंटिंग से देखने को क्वेश्चन नहीं मिल रहे थे। बहुत इंपॉर्टेंट है आपको समझना कि कलर थ्योरी से पूरे 2-3 क्वेश्चंस देखने को मिले हैं, मतलब 5-6 नंबर का, 2 नंबर के हिसाब से मैं वेटेज बता रहा हूँ। अगर इनकेस 4 नंबर में रहा होगा तो ये मान के चल सकते हो 10-12 नंबर का कलर थ्योरी के क्वेश्चंस आ रहे हैं, कलर व्हील रिलेटेड या फिर कलर स्कीम रिलेटेड क्वेश्चंस देखने को मिल रहे हैं। तो इनको प्रैक्टिस आपको बहुत अच्छे से करना है। मुझे पता चला है कि प्रिंसिपल ऑफ डिज़ाइन से भी 1-2 क्वेश्चन पूछे गए हैं, बेसिक क्वेश्चन, तो आपको प्रिंसिपल ऑफ डिज़ाइन भी कवर करना है। तो एप्टीट्यूड में फिफ्थ मई में ये आपके जो मेजर चेंजेस थे वो आपके यही थे, कलर थ्योरी से क्वेश्चन देखने को मिला है, प्रिंसिपल ऑफ डिज़ाइन से क्वेश्चन देखने को मिला है अभी तक, और स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड से क्वेश्चन आपको देखने को मिला है। तो आपको इन क्वेश्चन की प्रिपरेशन बहुत अच्छे से करना है, ये थोड़े से चेंजेस जो मैंने आपको बताए इन पर ध्यान देना है। अब बात कर लेते हैं हम ड्राइंग वाला पार्ट जो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, तो मैं इसमें आपको 3-4 स्टूडेंट का आपको बताने वाला हूँ ओवरव्यू कि उन्होंने मुझे किस तरह के क्वेश्चंस बताए। तो हम फोर्थ मई की बात कर लेते हैं, तो फोर्थ मई में आपका जो सबसे पहला जो आपका फर्स्ट स्टूडेंट की बात की जाए, तो जब A1 वाला पार्ट था उसमें टी शर्ट जो हम जनरली जैसे हम टी शर्ट पहनते हैं, तो यहाँ पे एक प्रिंट ऐसा कुछ बना हुआ होता है, कुछ ऐसे पिक्चर बनी हुई होती है, तो इस तरह का एक टी शर्ट प्रिंट का क्वेश्चन आया था जिसमें कि एक आपको बाइसिकल दिखाना है, जिसमें बाइसिकल के साथ में हेलमेट और एक बाइक दिखाना है आपको, इस तरह का क्वेश्चन था। आई थिंक बाइसिकल नहीं था, बाइक था, तो उसमें 4 कलर्स आपको यूज़ करने थे, एक पर्सन जैसे यहाँ पे कोई आप समझ सकते हो कि स्टंट मारता हो कुछ आप दिखा सकते हो, इस तरह का आपको एक दिखाना था, ठीक है। और दूसरा जो क्वेश्चन था उसमें ये था कि आपको 6 डाइस और 4 रिंग्स लाइक ऑब्जेक्ट, रिंग लाइक ऑब्जेक्ट आप यूज़ कर सकते हो, डाइस आपके 6 थे, इनसे आपको कॉम्पोजिशन बनाना था, और एक पर्टिकुलर डायरेक्शन से आपको लाइट सोर्स कंसिडर करके उसकी लाइट और शेडो आपको शो करनी थी। ये आपका फोर्थ मई का फर्स्ट स्टूडेंट का रिव्यू है। अगर हम फोर्थ मई में सेकंड स्टूडेंट के रिव्यू की बात करते हैं तो करें तो गो ग्रीन का लोगो पूछा गया था A1 पार्ट में। A3 की बात मैं इसलिए नहीं कर रहा हूँ क्योंकि A3 को भी मैं कंसीडर करने वाला हूँ और आपको A3 के बारे में बताने वाला हूँ। मॉडल वाला जो क्वेश्चन है उसमें सबसे इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल्स, किन चीज़ों पर फोकस किया जा रहा है, वो वही प्रिंसिपल्स घूम फिर के हर किसी के पेपर में, मोस्टली 90% स्टूडेंट्स के पेपर में वो प्रिंसिपल्स घूम फिर के आ रहे हैं, तो उसके बारे में मैं बात करूँगा। अभी मैं बेसिकली A1 और A2 के ऊपर बात कर रहा हूँ, A3 के ऊपर भी मैं जल्दी ही बात करने वाला हूँ। तो सेकंड स्टूडेंट्स का रिव्यू अगर मैं बताऊं तो गो ग्रीन का लोगो पूछा गया जिसमें ग्रीन शेड्स ऑफ कलर यूज़ करने थे और ज्योमेट्रिक शेप्स का यूज़ करके ये गो ग्रीन का लोगो क्रिएट करना था। सेकंड जो क्वेश्चन था A2 वाला, उसमें 4 मोबाइल फोन्स आपको यूज़ करने थे, 4 मैच बॉक्स थे और 4 नेल पॉलिश थे, उससे आपको लाइट शेडो डाल के ऐसा एक कॉम्पोजिशन क्रिएट करना था। थर्ड स्टूडेंट का अगर रिव्यू की बात करें तो A1 वाला जो क्वेश्चन था इसमें 3 स्क्वायर, 2 रेक्टेंगल, 1 सर्कल एंड 1 ट्राइंगल का यूज़ करके आपको क्यूबिज्म का कॉन्सेप्ट डिपेक्ट करना था। क्यूबिज्म एक्चुअली एक आर्ट का कॉन्सेप्ट होता है जो फेमस आर्टिस्ट अगर आप सर्च करोगे तो उनका आपको पता चलेगा कि उन्होंने क्यूबिज्म कॉन्सेप्ट का बहुत यूज़ करे हुए बहुत से आर्टिस्ट ने, जिसमें कि क्यूब लाइक आपको उसमें मतलब पैटर्न्स दिखाई देते हैं जो क्यूबिज्म का एक बहुत ही मतलब मेन एलिमेंट है, तो आप समझ जाओ क्यूबिज्म के बारे में। तो इसके बारे में कॉन्सेप्ट आप समझ लेना, इसमें पेंटिंग में क्या चीज़ें डिपेक्ट की जा रही है वो चीज़ों पर ध्यान देना, हो सकता है आपको पेंटिंग रिलेटेड किसी भी कॉन्सेप्ट से आपको कॉम्पोजिशन क्रिएट करने को आ जाए। तो ये क्वेश्चन था A1। सेकंड क्वेश्चन की बात करते हैं A2 वाला, इसमें आपको 5 स्पून, 4 टेबल स्पून, 2 सर्विंग स्पून और एक आपका राइस स्पून से आपको कॉम्पोजिशन, एसिमेट्रिकल कॉम्पोजिशन क्रिएट करना था। अभी तक हम जो कॉम्पोजिशन देखते हैं वो हम सिमेट्रिकल देखते हैं, यहाँ पे थोड़ा सा इंटरेस्टिंग क्या डाल दिया गया कि आपको असिमेट्रिकल कॉम्पोजिशन क्रिएट करना है। तो
अब फोर्थ स्टूडेंट की बात करते हैं, तो फोर्थ जो स्टूडेंट था उससे हमें पता चला कि लोगो फॉर सस्टेनेबल आर्किटेक्चर फॉर्म, मतलब एक सस्टेनेबल आर्किटेक्चर फॉर्म जो ग्रीन बिल्डिंग्स पे ज़्यादा इको फ्रेंडली बिल्डिंग, ग्रीन बिल्डिंग, सस्टेनेबल जो बिल्डिंग्स होती हैं उसके डिज़ाइन पे ज़्यादा वर्क करती है, उस तरह के डिज़ाइन बनाते हैं। तो इसके लिए आपको एक ग्रीन बिल्डिंग बेस्ड जो एक आपको फॉर्म बेस्ड लोगो क्रिएट करना, जिसमें आपको ग्रीनरी ऐसा शो कर सकते हो कि हाँ इनमें मेन जो फोकस किया जाता है वो इन्वायरमेंट पर किया जाता है, इन्वायरमेंट को हार्म ना किया जाए, इसलिए ग्रीन आर्किटेक्चर को प्रमोट किया जाता है। तो इस तरह का लोगो आपको डिजाइन करना था। दूसरा जो क्वेश्चन था उसमें सिक्स सूट केसेस के कॉम्पोजिशन आपको क्रिएट करना था, जिसमें आपको लाइट शेडो शो करनी थी। तो ये तो सारी चीज़ें हो गई आपकी A1 और A2 से रिलेटेड। अब हम बात करते हैं फिफ्थ मे का A1 और A2 वाला सेक्शन। इसमें फर्स्ट स्टूडेंट से हमें पता चला कि म्यूरल विद नेचुरल एलिमेंट्स डिपेक्टिंग हारमनी एंड पीस। तो आपको नेचुरल एलिमेंट्स के साथ में एक हारमनी और पीस को डिपेक्ट करता हुआ योगा हॉल के लिए एक आपको म्यूरल डिज़ाइन करना है। म्यूरल आपको पता है जो पूरे वॉल पे एक आप पेंटिंग देखते हो, पूरे वॉल पे कवर किए जाते हो, तो उसको म्यूरल कहा जाता है। रेलवे स्टेशन, मेट्रो स्टेशन पे आपने ये सारी चीज़ें म्यूरल पेंटिंग्स देखी होंगी बहुत। दूसरा जो स्टूडेंट से हमें पता चला क्वेश्चन, उसमें ये था कि एक आपको न्यू टेलीविजन ब्रांड के लिए एक लोगो डिज़ाइन करना है। और सेकंड जो A2 क्वेश्चन था उसमें अनयूज्ड कंप्यूटर पार्ट से आपको एक कंपोजिशन बनाना है, जिसमें लाइट और शेडो का कॉन्सेप्ट आपको शो करना है। ये क्वेश्चन ऑलरेडी आ चुका है, इसको रिपीट किया गया है कंप्यूटर वाला क्वेश्चन, तो आप क्वेश्चन को ज़रूर देख लिया करो और उन क्वेश्चन का आप सॉल्यूशन ज़रूर करा करो। इनकेस अगर क्वेश्चन कोई रिपीट हो जाता है तो आपके लिए बहुत ज़्यादा ईजी हो जाएगा। थर्ड स्टूडेंट की बात करते हैं, थर्ड स्टूडेंट से जो हमें पता चला A1 वाला जो क्वेश्चन था वो यूनिटी इन डाइवर्सिटी विद बेसिक ज्योमेट्रिकल शेप्स और सिंबल्स। बेसिक ज्योमेट्रिकल शेप्स से यूनिटी इन डाइवर्सिटी का आपको कॉन्सेप्ट डिपेक्ट करते हुए एक आपको मतलब पोस्टर क्रिएट करना था, पोस्टर लाइक थिंग था कुछ आपको क्रिएट करना था। सेकेंड जो क्वेश्चन था उसमें आपको 5 नेल पॉलिश, 1 मोबाइल फ़ोन और 4 मैच बॉक्स का यूज़ करके आपको एक कॉम्पोजिशन क्रिएट करनी थी। और फोर्थ स्टूडेंट की बात करते हैं, तो फोर्थ स्टूडेंट से जो हमें पता चला कि लोगो फॉर कल्चरल डाइवर्सिटी का आपको एक लोगो डिज़ाइन करना है। सेकंड जो क्वेश्चन था कि सिटीस्केप आपको डिज़ाइन करना था। सिटीस्केप आप लाइक समझ सकते हो कि आपको 12 सिलेंडर दे रखे थे, सिलेंडर की बात की जाए, या फिर आपको ऐसा कुछ मतलब समझ सकते हो कि लाइक लेट सपोज कि एक सिलेंड्रिकल ऑब्जेक्ट है, आप इसको ऐसे प्लेस कर करके आप एक सिटीस्केप दिखा सकते हो कि मतलब यहाँ पे ये सिटी की लाइनिंग आप दिखा सकते हो। तो इस तरह से आपको एक कॉम्पोजिशन क्रिएट करना था, इसमें आपको 12 सिलेंडर्स एज्यूम करने थे और उससे आपको एक सिटीस्केप बनाना था। इसमें भी आपको फिर सिमेट्री शो करनी थी कि आपको कंपोजिशन जो होना चाहिए वो सिमेट्रिकल होना चाहिए, दोनों तरफ से जो है कहीं ना कहीं बैलेंस हमें दिखाई देना चाहिए। अब बात करते हैं A3 वाले क्वेश्चन की। जो A3 आपका जो मॉडल वाला क्वेश्चन होता है ड्राइंग क्वेश्चन, इसमें आपका फोर्थ मे एंड फिफ्थ मे में दोनों जो बहुत कॉमन चीज़ें देखने को मिली, वो चीज़ें हमें देखने को मिली थी कि पैटर्न एंड रिदम। पैटर्न रिदम बहुत कॉमन चीज़ है जो मॉडल में पूछा जाता है कि पैटर्न शो करो और उसमें रिदम शो करो। तो आपको दो चीज़ें जो बहुत अच्छे से फोकस करनी है, बहुत अच्छे से प्रिपेयर करनी है, पैटर्न रिदम, इसके साथ में आप मूवमेंट और बैलेंस को, चार चीज़ों को मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप चार चीज़ों पर बहुत अच्छे से वर्क करो, इनके प्रैक्टिस करो, छोटे छोटे ब्लॉक्स बना के देखो कि आप इनसे पैटर्न रिदम और इसके अलावा मूवमेंट और इसके अलावा बैलेंस, ये सारी चीज़ें शो कर सकते हो, नहीं कर पा रहे हो। अगर कर पा रहे हो तो वेल एंड गुड है, नहीं कर पा रहे हो तो आपको बहुत प्रैक्टिस की नीड है। अब बात करते हैं ड्राइंग की प्रैक्टिस, तो आप चलो आप कर लोगे, बट आप एप्टीट्यूड की प्रैक्टिस के लिए आप एप्टीट्यूड के क्वेश्चंस और ड्राइंग के जो आपके A1 A2 वाले क्वेश्चंस होते हैं उनकी प्रैक्टिस आपको कहाँ से करनी है। उनकी प्रैक्टिस के लिए मैं अनाउंसमेंट करना चाहता हूँ कि हमारे मॉक टेस्ट लेटेस्ट नाटा पैटर्न बेस्ड अभी चल रहे हैं। हर वीक आपका फ्राइडे को ये मॉक टेस्ट होते हैं, तो बहुत सारे स्टूडेंट्स ऑलरेडी इसमें रजिस्टर करके इन मॉक टेस्ट को दे रहे हैं। लेटेस्ट पैटर्न पे बेस्ड है। जो भी स्टूडेंट इन वीडियो को देख रहे हैं जिन्होंने मॉक टेस्ट दिया होगा, तो उनको डेफिनेटली पता होगा कितने हेल्पफुल मॉक टेस्ट हैं, कितने ज़्यादा एक्यूरेट क्वेश्चंस आते हैं। तो मैं उनसे एक बार रिक्वेस्ट करूँगा कि वो एक बार कमेंट्स में ज़रूर डाल दें कि वो मॉक टेस्ट क्या उनके लिए रियली हेल्पफुल रहे हैं या नहीं रहे हैं, और क्या बाकियों को भी उन मॉक टेस्ट को एक बार ज़रूर ट्राई करना चाहिए। अगर आप मॉक टेस्ट नाटा के लिए अगर आप देख रहे हो तो आपको डेफिनेटली एक बार ट्राई आउट करना चाहिए। मैं लिंक आपको हमारे जो अपकमिंग टेस्ट होने वाला है नाटा 4 मॉक टेस्ट रहने वाला है, इस फ्राइडे में रहेगा, तो इसके लिए आप रजिस्टर कर सकते हो अपने आप को और इस मॉक टेस्ट को ज़रूर दीजिए। आपको बहुत इंपॉर्टेंट सारी चीज़ें पता चलेंगी और आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहने वाली है। अगर आपको कोई प्रॉब्लम आता है तो मुझे डायरेक्टली आप कॉन्टैक्ट भी कर सकते हो, मैं कॉन्टैक्ट नंबर भी आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और साथ में आपको कुछ भी प्रॉब्लम आता है तो आप बात कीजिए, कुछ भी आता है कॉमेंट्स में भी डाल सकते हैं, कॉमेंट में भी रिप्लाई करूँगा। और ऑल द वेरी बेस्ट, आप अपनी अच्छी चीज़ प्रिपरेशन कीजिए और उम्मीद करता हूँ कि फोर्थ एंड फिफ्थ मे का एनालिसिस आपको बहुत अच्छा लगा होगा, आपको काम की चीज़ें पता चलेंगी। ऐसी और वीडियोज़ आपको इस चैनल पर मिलने वाली है, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, वीडियो को अभी भी लाइक कर दीजिए। हम मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में।